हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, स्मार्ट फीचर्स बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ से आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है नीचे की ओर, और यहाँ से आपको मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट्स। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, जैसे आप एनिमेशन फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो आपका वो एनिमेशन जो कुछ इस तरह का रहता है, एकदम से खुलता है। अब आप इस एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हैं। अभी आपके कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से आते हैं, और यहाँ से आप इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अप्लाई कर देना है आपको। तो अब आपके एप्लीकेशन कुछ दूसरे तरीके से ओपन होते हैं आपको। सो गाइस, इस तरीके से एप्लीकेशन आते हैं आपकी, तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर पाएंगे। और बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, और फेशियल रिकॉग्निशन एनिमेशन, तो अभी जो फेस का लॉक आता है आपका इस तरीके से आता है, तो आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके बहुत सारे एनिमेशन आ जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे फेस लॉक आप लगाएंगे तो इस तरीके से आपका ये फेस पे आता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये आप देख पा रहे हैं, तो हमारा फ़ोन फेस से अनलॉक हो चुका है। बाकी पहले आपका ये आता था, तो इसे आपको बैक कर देना है। और आपका चार्जिंग एनिमेशन, तो चार्जिंग एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, और अभी चार्जिंग एनिमेशन आपका ये रहता है, तो सॉरी, आपका फ़िलहाल में ये वाला चार्जिंग एनिमेशन रहता है। तो आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम जो है इस एनिमेशन को लगा लेते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो चार्जिंग, जैसे ही आप चार्जिंग पिन लगाएंगे इसमें, तो आपका ये एनिमेशन आ जाता है। सो गाइस, यहाँ से आपको बैक चले जाना है, और यहाँ से बैक जाने के बाद आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है अपने फ़ोन के। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जाना है स्मार्ट मोशन पर क्लिक कर देना है। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप क्या होता है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और आप फ़ोन को सेक करते हैं तो आपका जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। जैसे कि मेरा फ़ोन अभी मैंने लॉक किया, लॉक करने के बाद मैंने फ़ोन को इस तरीके से हिलाया और हमारा जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इस तरीके से देख रहे हैं आप, फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। बाकी यहाँ से आपको मिल जाता है स्मार्ट टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको डबल टैप टू लाइट, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो स्क्रीन पर, जैसे आप डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, और आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी, जैसे ही आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इसे मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर डबल टैप किया, स्क्रीन ऑन ऑफ हो गई, डबल टैप किया और स्क्रीन ऑन हो गई। तो इस तरीके से आप अपना इस फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको दोबारा से वहीं पर जाना है, सेटिंग पे स्मार्ट मोशन पे जाना है, और स्मार्ट बैक पर क्लिक करना है, स्वाइप अप टू अनलॉक। आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका फ़ोन लॉक है अगर, तो आपका अनलॉक फ़ोन हो जाता है, और अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो आपका वो एकदम से फेस या स्क्रीन लॉक मांगता है। जिसमें मैंने फ़ोन को लॉक किया, अब फ़ोन लॉक करने के बाद मैंने ऊपर की ओर स्वाइप कर दिया तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से आ जाता है, और हमने फेस से फ़ोन को अनलॉक कर दिया है। और बाकी यहाँ से आपको यहाँ पर स्वाइप डाउन टू टेक फोटो, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करेंगे आप तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। नीचे की ओर स्वाइप कर दिया तो यहाँ पर हमारा जो है कैमरा ओपन हो जाएगा। सॉरी, दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ से मैंने जैसे स्वाइप किया ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ पर हमारा कैमरा ओपन हो चुका है, यहाँ से आप फोटो को एकदम से शूट कर पाएंगे इस तरीके से। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है ड्रॉ एम टू प्ले म्यूजिक, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन पर ड्रॉ कर देंगे, एम कर देंगे तो आपका म्यूजिक ऑन हो जाता है। स्वाइप ओरिजिनल टू चेंज म्यूजिक, और यहाँ से आपको ड्रॉ ई कर देंगे तो ई लॉन्चर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको बैक जाना है, ये कुछ इसके स्मार्ट बैक थे। बाकी यहाँ से आपको और बैक जाना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है वन हैंडेड, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इसे टर्न ऑफ कर देना है, तो यहाँ पर आपका
वन हैंड मोड इनेबल हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में छोटी सी स्क्रीन में फ़ोन को यूज कर पाएंगे। यहाँ से इसे कट कर देंगे तो ये पूरे स्क्रीन में आ जाता है। तो अभी बैक करते हैं। बाकी आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, इसे ऑन कर लेना है, जिससे कि आपके पास कोई भी कॉल आती है तो आपकी ये फ्लैश लाइट पीछे की साइड ऑन हो जाती है। बाकी यहाँ से इसे बैक करना है और यहाँ से आपको एसेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और इसे एसेसिबिलिटी मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑन कर देना है, जिससे कि आपका ये एसेसिबिलिटी ऑन हो जाता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एसेसिबिलिटी है, गूगल असिस्टेंट है, पावर ऑफ है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है। वॉल्यूम अप कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से आप। यहाँ से ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को एकदम से यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। फ़ोन को लॉक कर सकते हैं एकदम से, जैसे आपने क्लिक किया फ़ोन को लॉक भी कर सकते हैं आप। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक किया इधर की तरफ तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्विक सेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप एसेसिबिलिटी से कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से बैक चले जाना है और गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर बटन एंड कॉल, अगर आप इसे इनेबल कर देना है। एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में आपको मिलती है ये वाला ऑप्शन नीचे की तरफ पावर बटन एंड कॉल, अगर आप इसे इनेबल कर दें तो आपकी कोई भी कॉल चल रही और आपने जैसे पावर बटन को प्रेस कर दिया तो आपकी कॉल कट हो जाती है। सो गाइस इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको बैक चले जाना है और यहाँ से आपको मिल जाता है सिस्टम, तो सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिल जाता है सबसे ऊपर सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो तीन बटन दिख रहे हैं, इन बटन्स को आप अगर हटाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो वो हटा सकते हैं। थ्री यहाँ पर गेस्टर सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप इधर से स्वाइप करेंगे तो बैक चले जाएंगे और इधर से स्वाइप करेंगे तब बैक चले जाएंगे और डायरेक्टली आप अगर होम स्क्रीन पर आना है तो आप एकदम से स्वाइप कर देंगे। और आप रीसेंट टास्क में पहुंचना है तो यहाँ से स्वाइप करके रखना है यहाँ तक मिडिल तक और रीसेंट टास्क में पहुंच जाते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो नेक्स्ट यहाँ से आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाना है और मल्टी यूज़र पर जाना है, तो यहाँ से आप मल्टी यूज़र अपनी मल्टी आईडी यहाँ पर बना सकते हैं, अलग अलग पासवर्ड अपने अपने लगाएंगे और यहाँ पर आपकी आईडी बन जाती है। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के